हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत गौर अगेन फ्रॉम कोलकाता। आज हम जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए वो है एक रिक्वेस्ट के वीडियो है, जो साड़ी में फॉल्स हम कैसे लगाता है वो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए सिखाने के लिए। वो एक राजस्थान से रिक्वेस्ट आया हमें, वो इसलिए कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से कहूँगा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपको चैनल पर चला जाएगा। और जो फ्रेंड घर में बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं घर में बैठकर, उन लोगों को मैं फिर से थैंक्स कहूंगा। आप इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए। तो चलिए, ये जो साड़ी का फॉल्स हम कैसे लगाते हैं ये वीडियो आज हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए, पहले आपको ये देखिए, ये एक साड़ी है, ठीक है। तो इस साड़ी को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आंचल की तरह है, आंचल की तरह हम इस तरह से हमको शॉर्टिंग करना पड़ेगा। शॉर्टिंग का मतलब फ्रेंड, ये देखिए इधर उधर, ठीक है, ये देखिए इधर थोड़ा सा डाउन है, उधर ऊपर है, तो इसलिए इसको आपको इक्वली आपको एक स्ट्रेट लाइन करना पड़ेगा। कटिंग करके इसको पहले अपना करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे पिको करेंगे और उसके बाद हम इस साड़ी को फॉल्स लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे कैसे हम करते हैं, ये देखते रहिए, ठीक है। पहले तो हम ये कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी फ्रेंड कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो हमें ईमेल कर देना, हम तुरंत वो वीडियो अपलोड करके आप लोगों को दे दूंगा। पीको करने से पहले फ्रेंड, जो साड़ी का फॉल्स हम लगाते हैं उस साड़ी को इसी तरह दोनों तरफ काटना पड़ता है, एक कोल की तरफ, यानी कि जो हमको कुची में रहेगा वो पहला, और जिसका आंचल है ना वो उस तरफ, दोनों को कटना पड़ेगा इसी तरह। ये देखिए, ये हमारा एक तरफ हो गया कटिंग, अब दूसरी तरफ हम दिखाएंगे। और ये फॉल्स लगाना बहुत ही इजी है, ठीक है। तो क्यों हम फॉल्स लगाते हैं, तो क्यों हम फॉल्स लगाएंगे वो हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरफ स्ट्रेट है इसलिए हमने कटिंग नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए, अब हम दिखा रहा हूँ इसको, मशीन में बैठकर दिखा रहा हूँ कैसे ये पीको होता है। तो ये देखिए हमारा जो ये पीको मशीन नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल डबल मशीन है। इससे हम क्या करेंगे, ये देखिए चाप को चेंज करके हम इसे पीको करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमारा हेमिंग चाप है ना, उस चाप से हम इसे करेंगे, ठीक है। और आपको पहले आपको देख लेना चाहिए ये साड़ी का सीधा और उल्टा कौन सा है, ठीक है, ये हमें देखना है, ठीक है। और ये हमने हेमिंग चाप से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पहले भी मैं दिखा दे चुका हूँ ये हेमिंग हम कैसे करते हैं। तो ये कॉमन वीडियो है, अब जिस लोग ये वीडियो नया देख रहे हैं उन लोगों से कहूँगा अगर हेमिंग किस तरह से कहते हैं आप उस वीडियो देख के सीखा, नहीं तो मैं ये इस वीडियो में वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हेमिंग करने के लिए फ्रेंड, ये जो चाप देख रहे हैं ना, इस चाप से थोड़ा सा ये कपड़ा को हमको फोल्ड करके देना पड़ेगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसे करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये कच्चा पट्टी नहीं रहा है, ये पका हो जा रहा है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया डिज़ाइन है ये हेमिंग का, और बहुत ही शॉर्टकट है जिसके पास, जिन लोगों को पास ये जो पिको मशीन नहीं रहता है, जो साड़ी को इस तरह से करते हैं, और हमने फ्रेंड आप लोगों को सिखाने के लिए कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हमारा एक तरफ पिको हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा तरफ करेंगे, और हमें देख लेना चाहिए पिको करने के बाद,
जीएसटी थोड़ा सा इधर उधर फट गया कि नहीं, तो नहीं तो हम देख लेंगे, आपको चेकिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, देखिए हम चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी ठीक है। हमने पहला वाला स्टार्ट किया था, उस तरफ थोड़ा सा कच्चा हो गया, वो हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ करेंगे हम। हम आंचल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम आंचल को इस तरह से भी हम हेमिंग करेंगे, और ये मैंने कुछ नहीं फ्रेंड, ये जब ये धागे मशीन से निकल ना जाए इसलिए हमने ये पहले कर रखा हो, ठीक है। तो बाद में देखिए, और इसके बाद हम इस साड़ी में फॉल्स लगाकर दिखाएंगे कि कैसे फॉल्स लगाते हैं और फॉल्स क्यों लगाते हैं, वो भी आप लोगों को समझाऊंगा फ्रेंड। ये देखिए इसका जो हेमिंग हो रहा है ना, ये देखिए मैंने कैमरा को थोड़ा सा जूम करके क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको। इसी तरह आपको साड़ी में दिखेगा। और एक टेक्निक हम यूज करते हैं फ्रेंड, जो साड़ी में पगा करने के लिए, वो टेक्निक क्या है मैं सिर्फ एक कपड़ा लेकर मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगा। ये देखिए ये हमारा आंचल से ये हमारा तो पीको हो गया, ठीक है। तो ये है अब साड़ी में पीको करने का, ये है एक तरीका है। और दूसरा तरीका फ्रेंड मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, ठीक है। तो और एक तरीका से आप ये पीको कर सकते हैं साड़ी में। पीको का मतलब है फ्रेंड आपका जो काचा पट्टी है ना वो अंदर चला जाएगा, पाका दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड मैं और एक दूसरा तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूँ साड़ी को जब पका करते हैं इस तरह करते हैं हम, ठीक है। एक ऐसे प्लीट देते हैं, दूसरा प्लीट हम दोबारा करते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, नाखून बिठा कर ये एक फोल्ड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये फोल्ड हो जाएगा, करने में आसानी होगा फिर से हमें। और इसको आप कोई भी साड़ी में आप ये इस तरह से कर सकती है आप, ठीक है। साड़ी को अंदर, और दूसरा तरीका मैंने तो दिखा था, पहले वाला जो तरीका वो है पीको वाला जो हेमिंग से मैंने किया हो, और इसमें दिखा है ये देखिए, ठीक है। डबल फोल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी कि अब जितना फोल्ड आप पहले लेंगे, सपोज आप हाफ इंच ले रही है और बाद में भी हाफ इंच आपको घुमाना है, बस ये है अलग से एक तरीका है, ठीक है। और ये धागे को मत देखिए फ्रेंड, ये हमने जो अभी पीको किया हूँ उस धागे को मशीन में सेटिंग है, इसलिए मैं धागे को चेंज नहीं कर रहा हूँ जब आप लोगों को दिखाने के, ये तो सिर्फ दिखा रहा हूँ एक कपड़े में इसलिए, ठीक है। अब जब साड़ी वगैरह सब करेंगे वो सेम कलर में करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना
इजी है ये प्रोसीजर, इसमें भी आप कर सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम दिखाते हो साड़ी में फॉल्स कैसे लगाते हैं वो हम दिखाएं। ये देखिए फ्रेंड, हमें फॉल्स लगाना पड़ रहा है इस साड़ी को। ठीक है, ये रिक्वेस्ट के लिए हमें दिखा रहा हूँ हम आप लोगों को। तो ये देखिए, ये इसे हम साड़ी का फॉल्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये आपको आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग को एक काम करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने एक थिकनेस बोल रहा हूँ इस कपड़ा का, टोटल मेजरमेंट का। ये देखिए